नमस्कार मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के लिए। शरद पूर्णिमा की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा त्योहार जिसको करने से जीवन में अत्यधिक लाभ होने लगते हैं, और वो भी धन की दृष्टि से। हम बात करें तो धन की दृष्टि से जब बात करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धन नहीं चाहिए या जिसको परिवार में धन की आवश्यकता नहीं होती है। धन आ तो सबके पास रहा है, लेकिन उसका लाभ कितना आप ले पा रहे हैं और कितना आपकी बचत हो पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। अगर हम बात करें शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और कैसा एक उपाय ऐसा मिल जाए हमें कि जिसको करने से अद्भुत लाभ होने लगे, और धन की दृष्टि से जो समस्याएं जीवन में चल रही थी या धन हमारे जीवन में बच नहीं पा रहा है, क्या ऐसा कर लें कि धन बचने लगे, ऐसा क्या उपाय कर लें जिससे कि रोगों से मुक्ति होने लगे। एक बहुत जनरल उपाय आपने सुना होगा कि खीर का भोग लगाया जाता है, यानी खीर को बनाया जाता है और चंद्रदेव की रोशनी में या उनकी छाया में उसको रखा जाता है। इसके अलावा भी मैं ऐसे उपाय, आज वीडियो को अंत तक यदि आप देखेंगे तो दो ऐसे महा उपाय जिनको करने से आपके जीवन में अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। क्या करना चाहिए हमें इस दिन जिससे कि जीवन में रोग, धन और बचत से संबंधित समस्या समाप्त होने लगे और आपके जीवन में चल रही इतने समय से समस्या जो थी वो समाप्त होने लगे। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो हम क्या करें, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में है या ऐसा रोगी आपके व्यक्ति घर में है जिससे आप बहुत समय से उपाय आप कर रहे हैं, बहुत समय से दवा आप कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। एक ऐसा महा उपाय जिससे वर्षों से चले आ रहे रोग से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा महा उपाय जो बताऊंगा वीडियो के अंत में, वो ऐसा महा उपाय जिसको करने से जीवन में धन संबंधी समस्या और जीवन में परिवार में धन बचने से संबंधी समस्या समाप्त होने लगेंगी। बात कर रहे हैं हम उपाय की, तो एक जनरल उपाय कैसे करना चाहिए जो खीर वाला है। आप जब भी खीर बनाएं घर में, वो ऐसे बनाएं जैसे कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति आपके घर उसको खाने आएगा या आप उसको खिलाने वाले हैं। तो बहुत मन से खीर बनाई जाए, सबसे पहला काम आपको ये करना है, यानी कि अच्छे से पकाकर बनाई जाए, मेहनत नहीं करनी है, मन से करना है। दूसरा, जो भी आपके घर में चीजें अवेलेबल हैं, जिस तरीके के ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं, जो चीजें आपके घर में हैं, आप उसको उसमें डालें और उस खीर को बड़े मन से बनाएं। फिर रात्रि में उसको चंद्रमा की रोशनी में ऐसी जगह जहां पर सीधे चंद्रमा की किरणें पड़ती हों, ऐसी जगह रखना उचित होता है। और रात भर जब वो रहता है, उसके बाद सुबह परिवार के सदस्य स्नान करने के बाद उस खीर का सेवन यदि करते हैं तो रोगों से मुक्ति रहती है और जीवन भर रोग नहीं होते हैं या पूरे वर्ष रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। ये एक जनरल उपाय है जो सब लोग करते हैं, सबको पता है। हमें क्या करना चाहिए दूसरे महा उपाय, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्षों से पीड़ित है किसी रोग से, दवाइयां लाभ नहीं कर रही जितना करना चाहिए या रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और आधा बाल्टी पानी में आप उसको डाल दीजिए और चंद्रमा की रोशनी में जहां आती हो वहां पर रख दीजिए। वो छत हो सकती है, वो आपका आंगन हो सकता है, जहां पर सीधे चंद्रमा की रोशनी उस बाल्टी पर यानी उस जल पर पड़े, और सुबह में आपको उस जल को नीचे लेके जाना है और उसमें बाकी पानी या जल मिला लीजिए और जो रोगी व्यक्ति है उस जल से उस व्यक्ति को स्नान करा दीजिए मनोकामना के साथ। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में लाभ होते हुए दिखने लगेंगे। यदि वो व्यक्ति स्नान करने की स्थिति में नहीं है तो क्या करें, कि ऐसा रोगी व्यक्ति जो स्नान ही नहीं कर सकता, अब क्या करें, तो आप उस पानी से एक सूती कपड़ा लेकर उस पूरे शरीर को उस रोगी के को पहुंच दीजिए मनोकामना के साथ, निश्चित रूप से लाभ मिलने लगेंगे। दूसरा महा उपाय जिसको करने से जीवन में धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, शरद पूर्णिमा के दिन एक सुपारी ले लीजिए जो पूजा में प्रयोग होती है, उस सुपारी पर आप मौली लपेटिए, मौली मतलब कलावा, कलावा लपेट लीजिए, उसका रोली से टीका करिए, अक्षत अर्पित करिए यानी चावल लगाइए और माता लक्ष्मी के चरणों में आप उसको रख दीजिए
और मनोकामना बोलिए कि हे माता महालक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी निवास आप करिए। आप इस उपाय को करके शरद पूर्णिमा की रात्रि छोड़ दीजिए और अपने सो जाइए। जब सुबह आप जगेंगे, स्नान करने के बाद आप पूजा करने जाएंगे, उसके बाद आप उसको निकालेंगे बाहर जो आपने सुपारी माता के चरणों में रखी थी, और उस सुपारी को किसी लाल कपड़े में बांधिए, अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर आप रख दीजिए और मनोकामना बोलिए कि हमारे घर में स्थायी निवास माता महालक्ष्मी आप करना शुरू करिए। आने वाले समय में आपको धन या बचत से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होने लगेंगी और धन संबंधी समस्याएं आने वाले समय में भी नहीं होंगी। जय श्री श्याम।